वाइस फाइनली अपने गेम के अंदर मिस्ट्री मैडनेस नाम से एक इवेंट आ चुका है जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। एंड ये इवेंट मतलब कि इतना ज्यादा मस्त होने वाला है ना, इसके अंदर आपको मतलब 10-15 हजार बंडल एकदम फ्री मिलने वाले हैं, बैक की स्किन फ्री मिलने वाली है एंड मिली वेपन की स्किन फ्री मिलने वाली है, ठीक है। तो आज से इवेंट गाइस ये स्टार्ट हो गया है 30 जून, ठीक है, एंड ये चलने वाला है 13 जुलाई तक। किस तरीके से आपको इस इवेंट को कम्प्लीट करना है सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो भाई प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस इवेंट के बारे में मैंने गाइस आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था, इस चैनल पे ओनली आपको कंफर्म अपडेट्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस फटाफट इवेंट के अंदर एंटर करते हैं एंड मैं आपको सब कुछ समझाता हूं भाई किस तरीके से इवेंट वर्क करने वाला है, ठीक है। तो देखो गाइस जैसे आप लोग इवेंट के अंदर एंट्री करोगे आपके सामने इस टाइप से ना 3 बंडल्स आ जाएंगे और इसके नीचे भी 3 बंडल्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग टोटल देख लो यार काफी सारे बंडल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जितने भी बंडल्स आप लोग देख रहे हो ना ये सब गाइस आपको ना फ्री में मिलेंगे टोटली, एक भी आपको डायमंड नहीं लगाना, ठीक है, टोटली आपको ना फ्री में मिलने वाला है। तो काफी सही इवेंट है। अभी आपको गाइस यहाँ पे करना क्या है सब कुछ मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपके सामने ना, यहाँ पे एरोप्लेन टाइप्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे कैप्चर नाउ का ऑप्शन मिल रहा है ना, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जैसे आप कैप्चर करोगे ना यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से एक एरोप्लेन आपका कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पे लिखा चुका है कांग्रेचुलेशंस यू हैव, मतलब कि इस तरीके से ना हमारा एक मिशन कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे हम डेली लॉगिन का एक यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को ना यहाँ पे टोकन कलेक्ट करना है, ठीक है, उस तरीके से आप जैसे आप टोकन कलेक्ट करोगे उस टोकन से आप लोग रिवॉर्ड एक्सचेंज कर पाओगे। तो डेली लॉगिन करने पे आपको एक टोकन मिल जाएगा, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है यहाँ पे लिखा है गेट टॉप 10 रैंक इन बीआर मोड 3 टाइम्स। तो अपने जो बीआर मोड होता है ना उसके अंदर आपको गाइस क्या करना है 3 टाइम्स जो है ना 10th रैंक के अंदर आना है, मतलब टॉप 10 में आना है 3 टाइम्स, ठीक है। मेरे को पता है ये भी आप लोग इजीली कर ही लोगे यार, इतनी बड़ी बात नहीं होती बीआर मैच के अंदर, बस आपको यार 3 टाइम्स टॉप 10 में आना है। अगर आराम से सर्वाइव करके प्ले करोगे ना तब भी इजीली आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो थर्ड मिशन मिलता है उसके अंदर आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर गाइस आपको क्या करना है 12 गेम्स प्ले करने हैं अपने बीआर में या फिर सीएस में, ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी में भी खेल सकते हो, या तो आप बीआर में खेल लो तब भी आपका ये मिशन कंप्लीट होगा, बट एक बात का ध्यान रखना भाई 12 गेम खेलने हैं, ठीक है, अगर आपको ये वाला मिशन पूरा करना है। तो 12 गेम्स आपको अपने बीआर मोड के अंदर प्ले करने हैं। अगर आपको भाई बीआर मोड इतना पसंद नहीं है तो आपके लिए भाई सीएस भी है, मतलब क्लैश स्क्वाड भी है, आप लोग सिंपल सा क्या कर सकते हो क्लैश स्क्वाड के अंदर 12 मैचेस प्ले कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर आप लोग इसको जल्दी पूरा करना चाहते हो, क्योंकि 12 मैच यार बहुत हो जाते हैं, तो अगर आप लोग इसको फास्टली कंप्लीट करना चाहते हो सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं गाइस आप लोग ना बीआर खेलना, बीआर में जाना एंड वहां पे जाके भाई सुसाइड कर लेना, मतलब मर जाना यार किसी भी चीज से, ड्रम से फट जाना, ग्रेनेड से फट जाना, कुछ भी कर देना, ठीक है। तो 12 टाइम ऐसे ही कर लेना फास्ट फास्ट करके, आपका एकदम ये वाला मिशन भी पूरा हो जाएगा। तो सिंपल से ये भी आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। देन गाइस आपको एक और यहाँ पे ना देखने के लिए मिल जाता है मिशन, सबसे लास्ट वाला मिशन है, उसके अंदर गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना क्लैश स्क्वाड मोड होता है ना, अपने क्लैश स्क्वाड मोड के अंदर गाइस आपको ना विन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो भाई आप लोग कर ही लोगे, मतलब विन तो कर ही सकते हो यार सीएस में, मतलब कि यार इजीली कर ही लोगे अगर आप लोग अच्छा खेलते हो, मतलब वैसे भी यार इतना हार्ड नहीं रहता बीआर में, मतलब कि अपना वो करना, ठीक है, सीएस के अंदर मतलब बुया मारना, तो सीएस के अंदर बुया मारना है वो भी गाइस 3 टाइम्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना भाई 3 टाइम्स जो है ना आपको यहाँ पे ना बुया मारना है। तो आपको जैसे ही आप लोग ये सारे के सारे मिशंस पूरे करोगे आपके यहाँ पे ना टॉप पे देखो यहाँ पे ना ये की बनी आ रही है ना, ये वाली की जो बनी आ रही है यहाँ पे सारे टोकन आपके पास कलेक्ट होते रहेंगे। तो मेरे पास अभी एक लिखा है क्योंकि मेरे को एक टोकन मिला है, वो मिला है गाइस मेरे को लॉगिन वाला, तो एक अपने को मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे एंड यहाँ पे गाइस आपको और भी काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूं यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कार की स्किन मिल रही है भाई, बैक की स्किन, कताना की स्किन, पैरांग की स्किन, मतलब कि बहुत सारा भाई गोल्ड वगैरह भी दिया जा रहा है, गन स्किन वगैरह दी जा रही है एंड काफी कुछ है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ पे देखो लिखा है अनलॉक नाउ, इसको अनलॉक करने के लिए आपको 25 टोकन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। जो ये वाला बंडल आप लोग देख रहे हो ना गाइस, इस बंडल को लेने के लिए ना आपको 25 डायमंड मतलब 25 टोकन की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई ये बंडल काफी अच्छा है यार, एक तरीके से देखा जाए इतना खराब नहीं है, काफी सही बंडल आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको अनलॉक कर पाओगे 25 टोकन में। टोकन कैसे मिल रहे हैं मैंने आपको बता दिया, डेली मिशन मिलते रहेंगे, डेली मिशन पूरे करते रहना इजिली टोकन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको इतने सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं, जैसे अपनी कार की स्किन है, इसको लेने के लिए गाइस आपको 60 टोकन देने पड़ेंगे एंड ये बैक की स्किन को लेने के लिए आपको 6 टोकन देने पड़ेंगे। तो आपको बस इस तरीके से टोकन कलेक्ट करने हैं एंड टोकन कलेक्ट करने का मैंने सिंपल सा तरीका आपको बता दिया, ट्रिक भी बता दी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो काफी तगड़ा इवेंट गाइस गेम में आया है, मतलब कि इतने सारे रिवॉर्ड आपको फ्री मिल रहे हैं भाई, और क्या ही चाहिए यार। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, मैंने आपको सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिए कितने सारे रिवॉर्ड आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो भाई मेरे को तो सीरियसली काफी सही इवेंट लगा है। तो फटाफट से भाई इवेंट कंप्लीट कर लो अपना अपना एंड अगर आपको इस इवेंट के अंदर कुछ भी मतलब यहाँ पे लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। एंड ये जो गाइस आप मिशंस देख रहे हो ना, ये मिशंस डेली सुबह 4 बजे रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। डेली सुबह 4 बजे आप
आपको न्यू मिशन मिल जाएंगे। तो भाई इस बात का ध्यान रखना, डेली 4 बजे से पहले पहले ना ये मिशन पूरे कर लेना, क्योंकि डेली 4 बजे जो है ना न्यू मिशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जहां तक मेरे को लगता है मिशन सेम ही रहने वाला है, डेली लॉग इन वाला होता है ना तो सेम ही रहेगा, बाकी हो सकता है नीचे वालों में थोड़ा चेंजेस मिल जाए, बाकी डेली मिशन वाला तो सेम ही रहने वाला है आपका। एंड काफी सही इवेंट है यार ये वाला। एंड बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, इस इवेंट को समझाना था। अगर आपको इवेंट समझ में आ गया हो तो भाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो क्या करना है आपको, देखो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है मेरे को कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके रख लो, मैं आपके लिए ना एक प्रॉपर वीडियो बना के ला दूंगा अगर कुछ भी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। बाकी तो बस इस इवेंट में इतना ही है, एंड काफी सही इवेंट है भाई, सारे भाई कंप्लीट कर लेना इजीली। तो अब मिलता हूँ गाइस किसी और इंटरेस्टिंग।